भरगमा अंतर्गत पंचायत नया भरगमा में 3 घर जल के हो गया स्वाहा, जिसमें भोला पासवान जगदीश पासवान पिता आनंदी पासवान और सुधीर पासवान पिता जगदीश पासवान का घर बिल्कुल जल के राख हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका, आपके साथ है एमएस परदेसी। आज हम भरगमा अंतर्गत पंचायत नया भरगमा में हैं। तकरीबन 6 साल से ये आवाज उठ रही है कि यहाँ पे अग्निशामक केंद्र होनी चाहिए। जो दशा आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो सारी चीज आप समझ रहे हैं देख रहे हैं, ये दशा कोनो नया नहीं है, ये आम हो चुकी है। और खास करके रानीगंज विधानसभा में जो 7 पंचायत पड़ती है उसका यही दशा है। कारण ये है कि 6 साल से अग्निशामक का मांग किया जा रहा है। यहाँ पे खेल का स्टेडियम बन गया और उसमें गाय बैल बकरी सब चढ़ता है, लेकिन जान बचाने के लिए अग्निशामक केंद्र नहीं देगा। न विधायक, न जिला परिषद, न कोई नेता यहाँ का आवाज उठाने को राजी है। लेकिन हर दिन एक न एक वीडियो आप मेरा देखते होंगे कि कहीं पे घर जल गया, कहीं जानवर जल गया, कहीं लोग तक जल जाते हैं। लेकिन ये बात अभी तक न विधानसभा में पहुंची है, न ही कोई भी नेता, जो जागरूक नेता है, उनके मुख से निकली है। यहाँ पर कितनी जरूरत है आइए, यहाँ पर वार्ड नंबर 13 में हम अभी हैं। यहाँ पे लगभग 3 परिवार का 6 घर जल के राख हो गया, कुछ नहीं निकला है, कोई सामान तक नहीं निकाल पाया है। बीते रात 1 बजे ये घटना शुरू हुई और बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट। बिजली विभाग और सरकार बोलती है कि हम पूरा का पूरा लाइन कनेक्ट कर दिए हैं हर गांव में। अब कैसा लाइन, अभी कुछ देर पहले ही इसी पंचायत के बगल में हरिपुर कला में एक आदमी का जान चला गया सिर्फ बिजली से, और बिजली से यहाँ 3 परिवार का घर उजर गया सिर्फ बिजली से। कैसा यहाँ पर वायरिंग किया हुआ है, कैसा यहाँ पर विधि व्यवस्था है, न यहाँ के जीएई को, न यहाँ का इलेक्ट्रिक के जो भी पदाधिकारी हैं उनको सूद पिलते हैं। भरगमा का तो बोलने का कोई देखने वाला आइए नहीं है, पूरे बिहार में अगर नाम है तो भरगमा। आइए कुछ जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोग से कि यहाँ पर कैसे क्या हुई थी, क्या यहाँ की मांग है, ये सारा चीज हम जानने का प्रयास करते हैं। आप सर ये बताइए कि आए दिन ये रानीगंज विधानसभा में अगलगी का कांड होते रहती है। नमस्कार, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? हम लगातार, इससे पहले भी कई घटना अगलगी का हुआ, हमने डीएम साहब को लिखित सूचना दिया और वीडियो के माध्यम से सूचना दिया कि एक अग्निशामक केंद्र भरगामा में होनी चाहिए, जो आज तक नहीं हो पाया। इस 7 पंचायत का दुर्भाग्य है कि जान लीजिए जी। और रात के हम 12:30 बजे अग्निशामक को फ़ोन लगाया, कोई फ़ोन तक रिसीव नहीं किया, समझे? यानी अग्निशामक केंद्र में आपने फ़ोन लगाया? एकदम 4 बार लगाया हमने फ़ोन, लेकिन फ़ोन कोई रिसीव नहीं किया। तो ऐसे पदाधिकारी को सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, हम मांग करते हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री से हम आग्रह करते हैं कि ऐसी स्थिति जो बिजली का है, जो कहीं से विधि व्यवस्था सही नहीं है, जो अभी वायरिंग है, लेकिन सरकार तो दावा कर रही है कि हम हर गांव में लाइन पहुंचा दी है। बिल्कुल नहीं, लाइन पहुंची है जी, लेकिन जो वायरिंग है, हम लोगों का जो स्थिति है वायरिंग का, आपको ये नया भरगमा में बिल्कुल दयनीय स्थिति है, जो कहीं भी किसी भी वक्त आग लग सकता है और लग जाता है। इसके लिए हम जिला पदाधिकारी से मांग करते हैं, सीओ साहब से मांग करते हैं, इसकी जांच करके सही कानूनी कार्रवाई किया जाए। एक सवाल यहाँ पर यह बनता है और कि यहाँ पे रात के 1 बजे आग लगती है जी, तो भरगमा में भी अगर अग्निशामक केंद्र हुई तो यहाँ से 10-12 किलोमीटर भरगमा है जी? नहीं, आने में बहुत समय लगता है वहाँ से, क्योंकि रोड अच्छी नहीं है, उनको आने में यहाँ कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा। तो आपके केंद्र में तो यहाँ पर स्टेडियम बन गया था, अग्निशामक केंद्र क्यों नहीं बन सकता? यहाँ आप बगल में धनश्री चरैया है जी, वहाँ हो जाए अच्छा रहेगा। और हमारे रोड का जो स्थिति है,
ये तो कहने की बात नहीं है। जबकि पुरानी जो हमारे विधायक हैं अस्मित ऋषिदेव जी, आज तक इस सात पंचायत में देखने के लिए नहीं आए कि रोड का क्या स्थिति है। उसको कोई मतलब है नहीं, कोई मतलब नहीं है। जनता मर जाए, वोट मिले हमको, हम विधायक बने, बस यही मतलब है। और चुनाव भी इस तरीके से होती है, जिसको जिस पार्टी से टिकट मिल गया छाती चौड़ा करके कहता है हम तो जीतवे करेंगे, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? पर वही सवाल तो हम कर रहे हैं। राजनीति जो होता है ना, सिर्फ पार्टी के सिंबल के आधार पर, व्यक्तित्व के आधार पर नहीं होता है। जमीनी जो नेता है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, सिर्फ सिंबल के आधार पर वोट मिलता है लोगों को। सिर्फ आरजेडी, बीजेपी, हिंदू मुसलमान, मस्जिद मंदिर, इसके नाम पर वोट करता है लोग। इतना बात जान लीजिए। कितना घर जल के राख हुआ लम्स? यहाँ लगभग तीन परिवार का 6-7 घर जला है जी, जो अभी तक मुहैया कुछ नहीं मिला है इन लोग को, और कोई देखने वाला अभी तक आया भी नहीं है। मुखिया भी आए थे, वो भी कुछ दिए नहीं, आश्वासन के सिवा कुछ नहीं जी। और एक चीज़ और हम कहना चाहते हैं, हमारे नया भरमा पंचायत का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, जो 2.5-3 साल हो गया है, एक भी कार्य मुखिया के द्वारा या अन्य किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा नहीं किया गया है, न हुआ है। हमको लगता है 5 साल बीत जाएगा, होगा भी नहीं। तो वोटवा तो आप ही लगने दिए थे। अरे सर, वोट तो जब राजनीति करता है लोग, हाँ, तो जातिवाद का राजनीति होता है। अच्छा अच्छा, जातिवाद पर लोग वोट देता है, तो हाल तो वो होगा। तो हम और आप इसमें क्या कर सकते हैं? कैसे देखते हैं आप, चूंकि अभी के लगभग 70 साल से जो राजनीति हुई, और उसमें अभी जो 13-14 साल से राजनीति हो रही है, इस राजनीति को भारत का भविष्य के रूप में कैसा देख रहे हैं आप? बहुत बहुत बुरा वक्त आने वाला है, ये देख लीजिएगा आप। 2024 के बाद इस भारत का जो स्थिति होगा ना, वो देखने का लायक नहीं होगा। भाई केंद्र सरकार तो बहुत सारी योजनाएं आपको दे रही है, योजनाएं विकसित भारत यात्रा के तहत संवाद कर रही है, और आप कहते हैं कुछ कर। अच्छा, कर सर रहा? एक बात कहिए, हाँ? अभी उजाला योजना जो आई है जी, उसमें आप कह रहे हैं हमने 400 रुपया सब्सिडी दे रहा है जी, दे रहा है। आप 1050 हमसे ले रहे हैं जी, पहले ले रहे हैं आप। अच्छा। उसी पैसा को रिफंड करके 400 रुपया हमारे खाते में भेज रहे हैं, या बहुत लोगों को नहीं भी गया है, या बहुत लोगों को गया है, क्या हमको सब्सिडी मिल रहा है क्या? तो कहां से मिल रहा? रेट तो बढ़ गया ना, लेकिन भारत तो ऊपर जा रही है ना। क्या ऊपर जा रही है? विकास के कगार पर विश्व गुरु बन रही है। बहुत नीचे, बहुत नीचे। आप देख लीजिए जीडीपी को देखिए ना, कहां जा रहा है। ऐसे हवा हवाई में राजनीति करने से कुछ नहीं होगा, एक एक चीज को देखिएगा ना। नहीं, देखना तो सब चीज को है, तो फिर लेकिन भैया अगर लोकसभा में 300 से ज्यादा सीट आता है तो भैया उनको तो मान रहे हैं ना लोग। सीट आने के लिए तो देखिए रहे हैं, ईवीएम का कमाल होता है। ईवीएम एकदम ईवीएम सर, यह एकदम ईवीएम है। अच्छा, एकदम जहाँ बैलेट से जो होता है वहाँ का रिजल्ट देखिए आप, और जहाँ ईवीएम से होता है वहाँ का देखिए आप, आपको पता चल जाएगा क्या स्थिति है। देश की दशा उधार कैसे हो, जनता क्या कर रही है, ये सब आपके सामने में है। लेकिन सवाल बनता है कि ये रानीगंज विधानसभा में अग्निशामक केंद्र का, तो इसके लिए आगे आप क्या करेंगे? एकदम आज जो आवेदन दिया गया हम उसका प्रतिलिपि डीएम साहब को फिर देंगे, और एक वीडियो साहब को देंगे, दे के फिर हम इस पर आवाज़ उठाएंगे। एक अग्निशामक केंद्र फिर यहाँ चरैया में हो, इसके लिए हम फिर से आवाज़ उठाएंगे। क्या परिचय हुआ? सुनील कुमार पासवान, जन अधिकार पार्टी, रानीगंज विधानसभा, दलित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष। जब ही तो जाप से है, मांग तो होगा, आप क्या कहेंगे? घर तो जलिए गया है, तो हम क्या बोलेंगे? रात में खाए 2 रोटी। अच्छा, अभी तक जो है मुंह में पानी नहीं दिए हैं, उधर घर को देखते हैं, इधर आंख से आंसू गिरती है, क्या बतावेंगे? कुछ सब सामान मेरा जल गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है जगदीश पासवान। और आपके सब और कौन किसका किसका घर जला है? भाई मेरा है भोला पासवान, उसका भी 2 घर जले हैं।
और उसमें मेरा भी बेटा अलग में है, उसका भी घर जरा। क्या नाम है उनका? सुधीर कुमार पासवान। उनका भी घर जल के स्वाहा हो गया। स्वाहा हो गया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि यहाँ का चाहे सीओ साहब हो, चाहे यहाँ का स्थानीय प्रशासन हो, अगर उनको कोई विज्ञप्ति जाती है तो आने में लमसम 3-4 दिन तो लगिए जाता है, और वहाँ से संवाद भेजा जाता है कि आप दरखास्त भेज दीजिए, हम देख लेंगे। लेकिन अभी तक कोई नहीं पहुँचा है। ये यहाँ दयनीय स्थिति में यहाँ के परिवार हैं, ये खाएंगे क्या, पिएंगे क्या और रहेंगे क्या, ये सारे सवाल है जो इस नया भरगमा पंचायत का यहाँ पे कुछ होता नहीं है। और यहाँ क्या भरगमा में कहीं कुछ होता नहीं है, कोई सुनने वाला है नहीं। कहाँ से आ रहे हैं? हम अभी भरगमा से आ रहे हैं। अच्छा, क्या करने गए थे? सीओ साहब के पास गए थे आवेदन देने के लिए। दे दिए? हाँ दे दिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार पासवान, वार्ड सदस्य, वार्ड नंबर 13। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नया भरगमा से MS परदेशी।